नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी से संबंधित। इस वीडियो में हम आपको कोई भी नई न्यूज़ नहीं देने वाले हैं। कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था, ये वाला वीडियो आपने देखा होगा। सभी सवालों के जवाब ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, वही जानकारी इसमें इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बस अलग इतना है, ये न्यूज़ आज न्यूज़ के पेपर में भी इससे संबंधित न्यूज़ आई है और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको जब ये न्यूज़ आती है और इससे संबंधित जो मुझे अपडेट मिलते हैं, जो नई जानकारी मिलती है, उन सभी अपडेट्स की जानकारी आए। तो वैसे न्यूज़ में कुछ नया नहीं है, आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को वाले आवेदक ही कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि आज, ये न्यूज़ श्री गंगानगर के न्यूज़पेपर में, राजस्थान पत्रिका में, वहाँ के न्यूज़पेपर में आई है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस भर्ती में वही ओवरएज आवेदक ही जिन्होंने न्यायालय में रिट दायर कर रखी है। यह आवेदक 21 नवंबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार महावर ने बताया कि सोमवार को मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं कि कांस्टेबल भर्ती 2017 में ओवरएज ऐसे आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी रिट पर न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। आवेदन के साथ आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के नाम से पोस्टल ऑर्डर व न्यायालय के निर्णय की फ़ोटो प्रति लगानी होगी। तो ये न्यूज़ हमने, ये सभी न्यूज़ जो भी इस न्यूज़ के मुख्य बिंदु हैं, उनकी जानकारी हमने आपको कल वाले वीडियो में दे दी थी, लेकिन ये न्यूज़ न्यूज़पेपर में भी आई है तो मुझे यही उचित लगा कि इसके बारे में भी आपको सूचना देनी चाहिए। और यहाँ पर जो विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो मुझे लगी कि सभी विद्यार्थी रिट नहीं लगा सकते और बाकी उन्हीं के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, और ये एक तरह से गलत है। जिन्होंने रिट लगाई है उन्हीं के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर मौका देना चाहिए तो सभी विद्यार्थियों को समान देना चाहिए, सभी के आवेदन स्वीकार किए जाने चाहिए। और इससे विद्यार्थी भी, काफ़ी विद्यार्थी परेशान हैं, और समय भी एक दिन का दिया गया है। एक दिन में अब विद्यार्थी कैसे रिट लगाएगा, कहाँ कोर्ट जाएगा, कौन से वकील से बात करेगा, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो इनको अगर रिट वाले ही आवेदन स्वीकार करने थे तो थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहिए था। अब एक दिन में विद्यार्थी क्या क्या करेगा, उसे जयपुर भी आना है, आज ही फॉर्म लेना है, फिल करना है, आज ही जमा कराना है और आज ही रिट लगानी है। तो एक दिन में ये सब करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। जो निर्णय सरकार करती है वही हमें स्वीकार करने होंगे, और आगे क्या होता है वो आगे ही निर्भर करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने पहले वाले वीडियोस में एक न्यूज़ पेपर की न्यूज़ डाली थी जिसमें यह भी बताया गया था कि अभी भी कुछ विद्यार्थी अगर इस वैकेंसी से संतुष्ट नहीं है तो वो फिर वापस कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर ऐसा ही रहा और अगर कोई विद्यार्थी वापस कोर्ट की शरण लेता है तो फिर आगे क्या होता है वो समय ही बताएगा। और बाकी के अपडेट्स की जानकारी हम आपको रेगुलर देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।